याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है।